पिछले 38 दिनों से हरियाणा पुलिस की एसआईटी के लिए सिरदर्द बनी डेरा पर मुख्य गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी व मुख्य राजदार हनीप्रीत को आखिरकार एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। हनीप्रीत की गिरफ्तारी जीरकपुर के पटियाला रोड से की गई है। हनीप्रीत पर बीते 25 अगस्त को डेरा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट परिसर से उन्हें भगाने की साजिश करने का आरोप है। हनीप्रीत से एसआईटी की एक खास टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। हनीप्रीत को आज पंचकुला कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। डिप्रेशन में ही चली गई थी, ये भी जो कानूनी करा हमें पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हमने क्या करना है। जैसे मुझे मिला और जैसे मुझे समझ आई, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया, क्योंकि सारे चीज तो हमारे लिए, जब पापा चले गए तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद जैसे हमें किसी ने गाइड किया, मैं आगे आई, मैं दिल्ली गई, जैसे जैसे समझ आई और जैसे अब मैं अब आगे जाके अपना अब फिर जाऊंगी और हरियाणा पंजाब में कहा तो अपना वहां पे भी जाऊंगी, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भी जाऊंगी और अपना वो करूंगी। पीछे नहीं हटी, लेकिन जितना कुछ मेंटल स्थिति संभलने में भी तो टाइम लगा कि भी ये हो क्या गया, छुपी नहीं थी। लेकिन जब बेगुनाह को एकदम जो जिसने कभी कीड़ी भी ना मारी उसके ऊपर देशद्रोही कहा गया, वो संभलना मेरे लिए बहुत मुश्किल। चंडीगढ़ से मेजर अली, जीवे पंजाब टीवी।